Hi everyone, I am Dr. Bhavin Pawari and today I will give you information about vitamin A. आप जैसे ही यहाँ आप इमेज में देख रहे हो वहाँ सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरा हर एक वीडियो देख सकोगे. एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन. विटामिन ए फैट सोल्यूबल है इसलिए वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर होता है. विटामिन ए हमारा जो नॉर्मल विजन है उसके लिए बहुत ही जरूरी है. दुनिया में विटामिन ए की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चों की रोशनी चली जाती है. करीबन 5 लाख बच्चों की रोशनी हर साल विटामिन ए की कमी की वजह से होती है. विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है. वो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाता है. अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन ए के बारे में. विटामिन ए हमें एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन दोनों से मिलता है. पहले हम बात करेंगे एनिमल ओरिजिन के बारे में. उसमें हमें वॉल मिल्क, बटर, एग, फिश, मीट, लिवर, कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, उसमें से हमें मिलता है. और दूसरा प्लांट ओरिजिन, उसमें हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरोट, स्पिनच, टोमेटो, पपैया, मैंगो एक्सेट्रा, उसमें से हमें मिलता है. अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के बारे में, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है. उसकी सीधी असर हमारे आंख पर पड़ती है. पहला, नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखाई न देना. कम रोशनी में पेशेंट देख नहीं सकता है. दूसरा, जेरोप्थाल्मिया और ड्राई आई. विटामिन ए की कमी की वजह से जो हमें आंसू देती है वो लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू नहीं निकलते हैं इसलिए आंख सूखी पड़ जाती है. तीसरा, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है. ज्यादातर ये बच्चों में होता है और बच्चों में ब्लाइंडनेस होने का मेन रीजन ये है, रफ एंड स्केली स्किन हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी इससे अफेक्टेड होते हैं. विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए जिसमें से विटामिन ए मिलता है उसको हर रोज हमारे खुराक में लेना चाहिए. होप यू वुड लाइक माई वीडियो. काइंडली शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब.